हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो हम लोग एक नया एफर्ट शुरू कर रहे हैं उन सभी न्यू प्रोग्रामर्स के लिए, या कह सकते हैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोग्रामिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हम इसमें आपको प्रोग्रामिंग फीचर्स बताएंगे और साथ में हम लोग कवर करेंगे सी लैंग्वेज के डिफरेंट जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, इनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, वो सभी चीज़ें हम चैप्टर के थ्रू जो है कवर करेंगे। साथ में ही डिफरेंट प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स को भी कवर करेंगे। तो सी लैंग्वेज की अगर बात करें तो हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, जो बीसीए है, बीबीए है, या कोई बीएससी है, बीटेक है, या पॉलिटेक्निक है, किसी भी लेवल के कोर्सेज में प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट हैं, होते ही हैं। तो सबसे स्टार्ट है जो सी लैंग्वेज से किया जाता है। मुझे इस लैंग्वेज को पढ़ाते हुए लगभग 25 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। मेरी ऑलरेडी एक बुक भी है और मैंने लगभग इन 25 सालों में सैकड़ों ही स्टूडेंट्स को, सैकड़ों ही आप हज़ारों ही कह सकते हैं, हज़ारों ही स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड में, यानी कि क्लासरूम टीचिंग के थ्रू सी लैंग्वेज टीच की है। उस एक्सपीरियंस को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे एक सीरीज़ उन व्यूअर्स के लिए भी बनानी चाहिए जो ऑफलाइन वे में लर्न नहीं कर सकते, या जो खर्च नहीं कर सकते, या बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो यूट्यूब पे तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं सी लैंग्वेज से रिलेटेड, लेकिन सभी प्रोग्रामर्स का, सभी डेवलपर्स का, यूट्यूबर्स का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है लाइफ में लैंग्वेज से रिलेटेड, लैंग्वेज के फीचर्स से रिलेटेड। क्योंकि मेरी जो जर्नी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टीच करने की, वो सी लैंग्वेज से ही शुरू हुई थी। और अभी के टाइम में मैं पाइथन, जावा या और भी जो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सभी टीच कर रहा हूँ। और इन 25 सालों में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, डिफरेंट लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, जो चाहे वो बीटेक के हों, एमसीए के हों, या बीबीए के हों, या बीएससी है, पॉलिटेक्निक है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने प्रोग्रामिंग इन सी टीच की है। और मेरी ऑलरेडी एक बुक भी है इसके ऊपर। चैनल पर ऑलरेडी हम लोग रैंडम वीडियोस डालते हैं, टॉपिक बदल बदल कर डालते रहते हैं, लेकिन अभी जो हमारी सीरीज़ रहेगी ये सीक्वेंस में रहेगी सी लैंग्वेज के साथ में, कि हम लोग सी के डिफरेंट फीचर्स इसके बारे में हम बताएंगे। और साथ में ही हमारी कोशिश रहेगी कि वीडियो में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग आपको एक क्विज भी दें, ताकि आप 15-20 मिनट जो हमारी वीडियो में हमारे साथ स्पेंड करें, आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो वो एक गूगल फॉर्म की फॉर्म में रहेगा, आप अपना, उसमें हम कोई पर्सनल डिटेल नहीं लेंगे आपसे, आपसे रैंडम क्वेश्चन आएंगे और आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देखना है। आप उस टेस्ट को जितनी बार मर्जी दे सकते हैं, तो आपको स्क्रीन पर आपका स्कोर पता लग जाएगा। तो उससे बेटर रहता है कि अगर आपका स्कोर बेटर है, मान लो हम 20 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और 20 में से आपका 18 या 15 प्लस स्कोर रहता है, तो आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहिए। अगर स्कोर कम रहता है तो इस वीडियो को आप एक बार रिपीट कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन वीडियोस को हम सीक्वेंस में ही प्रोड्यूस करें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला हमारा कि सी लैंग्वेज क्या होती है। तो सी लैंग्वेज क्या है हमारा, देखो इनिशियली कोई भी चीज़ को अगर हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, दो लोग आपस में इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंटरेक्ट करते हैं। तो अर्लियर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो थी लो लेवल, इंग्लिश लाइक नहीं थी, जैसे जीरो वंस की फॉर्म में, या असेंबली लैंग्वेज थी, निमोनिक्स की फॉर्म में थी। तो उसके बाद हमारी इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस आई, बहुत सारी बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रही। तो इसके बाद 1972 में सी इंट्रोड्यूस हुई अपने बहुत सारे वर्सटाइल फीचर्स के साथ में। तो सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो अपने टाइम में जिसने पॉपुलैरिटी गेन की और अब तक 1972 से लेके अब तक पॉपुलर है। ये इंडस्ट्री में भी कुछ हद तक यूज़ होती है, अब तो बहुत सारे नए सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं, लेकिन जो टीचिंग है या लर्निंग है प्रोग्रामिंग के, जो शुरुआत है वो हमारी सी लैंग्वेज से ही शुरू होती है। तो शुरुआत करते हैं लेट अस सी। तो ये एक पॉपुलर बुक का टाइटल भी है, मैंने भी सी लैंग्वेज इसी बुक से शुरुआत की थी जब मैं बीटेक कर रहा था। तो इसी बुक के ही मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ जिन्होंने ये बुक लिखी है, यशवंत कार्नेटकर जी। तो उनकी बुक को ही मैंने पूरा फॉलो करके इनिशियली प्रोग्रामिंग इन सी के जो कंस्ट्रक्ट हैं वो सीखे थे। और इसके पहले मैंने बेसिक फोर्ट्रान वगैरह लैंग्वेजेस मुझे आती थी, लेकिन हमारे, मेरा जो बेस है इस बुक को फॉलो करके हुआ। तो मेरे इन वीडियोज़ में भी मैं इस बुक का सीक्वेंस ही फॉलो करूँगा, ताकि मुझे भी मेरे टाइम में जब मैं बीटेक स्टूडेंट था,
मुझे इजी रहा था इस बुक के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग स्टडी करना। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप बुक बाय करना चाहते हो तो लेटेस्ट सी की बुक बहुत बढ़िया है। आप बिगिनर हो अगर तो आपको ज़रूर परचेज करनी चाहिए। ऑनलाइन लिंक्स में भी बहुत सारे लोगों ने PDF भी डाला हुआ है इसका। तो हम लोग शुरू करते हैं, लेटेस्ट सी स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज को। तो सबसे पहले है कि सी के बारे में अगर हम बात करें तो सी 1972 में AT&T बेल लैब्स में सी को डेवलप किया गया था। तो डेनिस रिची ने इसको लिखा था, डिज़ाइन किया था, प्रोड्यूस किया था। तो इसने ये लैंग्वेज इतनी पॉपुलर हुई, इसने अपने उस टाइम की जो लैंग्वेजेस थी उनको उनका फेम को डिफेम कर दिया था। यानी इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि उस टाइम की लैंग्वेजेस को पीछे छोड़कर ये आगे बढ़ी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सेम टाइम की लैंग्वेज में नहीं थी। इसके पहले हम पास्कल लैंग्वेज को ज़्यादा यूज़ करते थे, तो पास्कल की सिस्टर ही बोला जाता है कि पास्कल का काफ़ी कंस्ट्रक्ट सी जैसा ही था, लेकिन उसमें जो चीज़ें नहीं थी या जो कमियां थी वो सी लैंग्वेज में दूर की गई। तो वो क्या थी या इसमें क्या फीचर्स है, हमारे आने वाले वीडियोस में या इसी वीडियो में भी कुछ चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं कि सी पॉपुलर इतनी क्यों है। तो सी का जो कोड है या सी के जो फीचर्स हैं ये इसको पॉपुलर बनाते हैं। इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स की कैटेगरीज हैं, हाईली एंड रिस्ड लैंग्वेज है ऑपरेटर्स के केस में, जैसे प्लस माइनस ऑपरेशन करना हो या लेस देन ग्रेटर देन बिट वाइज ऑपरेशन है, पॉइंटर अर्थमेटिक करना हो। और लैंग्वेज बिल्कुल इंग्लिश लाइक है। मैंने कहा कि मैंने सी लैंग्वेज बुक से ही सीखी है क्योंकि इंग्लिश लाइक कंस्ट्रक्ट है और सारी स्टेटमेंट भी इंग्लिश के सिंपल कीवर्ड्स को लेके ही बनाई गई हैं। और इसको यूज़ करना भी बहुत ही ईजी है। जैसे ही आप शुरुआत करते हो तो डे टू से ही, डे वन में आप बेसिक लेने के बाद डे टू से ही आप प्रोग्रामिंग इसमें शुरू कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सी लैंग्वेज को। तो सबसे पहले होता है करेक्टर सेट। सी के करेक्टर सेट की बात करते हैं तो देखो, कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीखते हो या इंग्लिश हिंदी या कोई कम्युनिकेशन लैंग्वेज भी सीखते हो तो सबसे पहले आपको उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स बताए जाते हैं। तो जैसे मान लो आप जब बहुत छोटे हैं तो आपको कुछ वर्ड्स स्कूल में सिखाए जाते हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए, इस तरह के कुछ डिजिट्स 0, 1, 2, 3, उसके बाद आपको काउंटिंग सिखाई जाती है। तो वो बेसिक करेक्टर सेट होता है जिसके बाद आप वर्ड्स, सेंटेंसेस, स्टेटमेंट, ऐसे काफ़ी कुछ लिखने लग जाते हो। तो हमारा सी का भी करेक्टर सेट है जो तीन चीज़ों से बना हुआ है। तो फर्स्ट थिंग है हमारा अल्फ़ाबेट्स, दूसरी चीज़ है डिजिट्स और थर्ड चीज़ है हमारी स्पेशल सिंबल्स। अल्फ़ाबेट जो सी में कंसिडर किए गए हैं, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड तक के अल्फ़ाबेट, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड तक के अल्फ़ाबेट और डिजिट्स 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स। इनके कॉम्बिनेशन से ही सी के कीवर्ड बनते हैं, वर्ड बनते हैं, स्टेटमेंट्स बनती हैं। साथ में कुछ कवर किए गए हैं कुछ स्पेशल सिंबल्स, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं टिल्ड सिंबल, लेस देन, ग्रेटर देन, कर्ली ब्रैकेट, ओपन क्लोज, बहुत सारे सिंबल्स। तो इन सिंबल्स को हम आप कीबोर्ड पे देख सकते हो। तो इन्हीं सिंबल्स को बोला गया है स्पेशल सिंबल्स। तो तीन बेसिक चीज़ें होगी, अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स। उसके बाद है हमारा कैरेक्टर सेट की बात हमने कर ली। अब आगे बढ़ते हैं कांस्टेंट की बात करते हैं कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। आपने बहुत सारे जगह सुना होगा कांस्टेंट या वेरिएबल वर्ड सुना होगा। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, ऐसी चीज़ें जो जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो सी में इन कांस्टेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी कांस्टेंट्स और सेकेंडरी कांस्टेंट्स। तो देखते हैं प्राइमरी कांस्टेंट्स कौन से हैं और सेकेंडरी कांस्टेंट्स कौन से हैं। कांस्टेंट मतलब जो उसकी वैल्यू कंपाइलेशन टाइम में या आप रन टाइम पे बोल सकते हो, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो प्राइमरी कांस्टेंट्स में दिए गए हैं इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और करैक्टर कांस्टेंट। इनकी ज़्यादा डिटेल जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होती जाएगी। और सेकेंडरी कांस्टेंट्स में दिए गए हैं एरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस और एनम्स। यही आगे आपको एज अ चैप्टर भी सी लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि इंटीजर कांस्टेंट्स की हमने बात की थी कि ये प्राइमरी कांस्टेंट की एक टाइप है। तो इंटीजर कांस्टेंट्स क्या होते हैं, इनके क्या रूल हैं। तो फर्स्ट है हमारा एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट वन डिजिट, कि कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू में एक डिजिट का होना जरूरी होता है, जैसे 4, 5, 6, 7 कुछ भी, और उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। एक इंटीजर वैल्यू या तो प्लस हो सकती है या माइनस हो सकती है। अगर कोई भी सिंबल ना लगाओ तो ये माना जाता है कि वो एक पॉजिटिव है। जैसे आप मैथ में भी करते हो a इज इक्वल टू 5, अगर आपने अलग से माइनस या प्लस नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको प्लस ही माना जाता है। क्योंकि सी लैंग्वेज को इंग्लिश लाइक बनाया गया है तो अजम्पशंस भी लगभग वही ली गई हैं जो रियल मैथमेटिक्स में होती हैं।
उसके बाद है कि हमारे इंटीजर कांस्टेंट के अंदर हम ब्लैंक या कॉमास को नहीं ले सकते। मान लो आपने लिखा 457 है, आपने कंसिडर करना है, तो 45 थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आप 7 नहीं ले सकते, क्योंकि उससे वो दो वैल्यूज़ मानी जाएंगी। फिर अगर आप इसको यूज़ करोगे प्रोग्राम में तो वो बोला जाएगा कि इसमें एक कॉमा मिसिंग है, इसमें कुछ मिसिंग है। उसके बाद है हमारे इंटीजर कॉन्स्टेंट्स की रेंज। तो सी लैंग्वेज में इंटीजर कॉन्स्टेंट्स की रेंज है -327682 +327677। तो ये रेंज क्यों है? क्योंकि इंट जो डाटा टाइप है, आगे हम डाटा टाइप्स पढ़ेंगे, तो ये इंट है जो 2 वाइट स्पेस लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 to power अगर हम लोग 16 करते हैं तो ये नंबर ही जनरेट होते हैं। तो -327 सबसे छोटा नंबर एक इंटीजर कॉन्स्टेंट होल्ड कर सकता है, और +327677 सबसे बड़ा नंबर ये एक इंटीजर होल्ड कर सकता है, वैल्यू ले सकता है। उसके बाद है इंटीजर कॉन्स्टेंट्स के एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे मान लो 426 +782 -8000 -7605, कुछ भी वैल्यू प्लस या माइनस या बगैर साइन के भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रियल कॉन्स्टेंट। तो रियल ऑब्वियसली जिनमें डेसिमल पॉइंट हो, तो रियल में भी एक एटलीस्ट एक डिजिट होना चाहिए और इसमें एक डेसिमल पॉइंट भी जरूर होना चाहिए, और ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इनका जो साइन है वो पॉजिटिव माना जाएगा, और इनमें भी कोई कॉमा या ब्लैंक स्पेसेस आप नहीं ले सकते। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो ये बनते हैं जैसे मान लो 5.2 3.6 या जो हमारे स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं +325.34 426.0, ऐसा कोई भी जो वैल्यूज प्लस या माइनस हो और उसमें डेसिमल पार्ट हो, ये रियल कांस्टेंट मानी जाती है। उसके बाद है जो रूल्स है हमारे करेक्टर कांस्टेंट से रिलेटेड। करेक्टर कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जब भी आप कोई सिंगल करेक्टर यूज़ करते हो, जैसे मेल के लिए एम, फीमेल के लिए एफ, जेंडर स्पेसिफिक या सिंगल करेक्टर कुछ भी आपको कंसिडर करना है, तो एक करेक्टर कांस्टेंट है वो एक सिंगल अल्फ़ाबेट या सिंगल डिजिट या सिंगल स्पेशल सिंबल को ले सकता है। करेक्टर कांस्टेंट्स को हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लेना होता है, ठीक है। और जो भी है, मान लो आपने कैपिटल ए को लेना है एज अ करेक्टर कांस्टेंट, तो आप कैपिटल ए लिखोगे और उसके आसपास सिंगल कोट्स के सिंबल बना दोगे, तो ये वैलिड करेक्टर कांस्टेंट है। और इसमें मैक्सिमम लेंथ क्या रहती है? 1 करेक्टर रहती है। अब आगे बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स ऐसी क्वांटिटीज़ है, ऐसी चीज़ें हैं जो रन टाइम पे बदल सकती हैं, तो इसी के लिए तो प्रोग्रामिंग हो रही है सारी, कि आप प्रोग्रामिंग से क्या आपको आपकी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें हम कुछ बदल बदल कर इनपुट दें और उन इनपुट्स के अकॉर्डिंग ही आउटपुट जनरेट हो। सिंपलेस्ट वे में मान लो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम टू परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो ये तो नहीं है कि मान लो आपने फिक्स कर दिया 5 और 2, आंसर हर बार 7 आए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? आप कभी 15 दो और एक नंबर दूसरा नंबर 2 दो तो 17 जनरेट हो, एक नंबर 5 दो दूसरा 10 दो तो 15 जनरेट हो। तो वैल्यूज़ रन टाइम पे आप बदल बदल कर दे सको, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेरिएबल्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो आगे देखते हैं वेरिएबल्स को यूज़ करना हो हमारे प्रोग्रामिंग में तो वेरिएबल नेम्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह सी में भी वेरिएबल नेम से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं। तो उनमें से इनिशियली जो हम बात करते हैं सबसे पहले कि इनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। लेंथ का मतलब होता है, मान लो वेरिएबल नेम है सैलरी, तो SALARY जितने डिजिट्स हमारे इतने अल्फ़ाबेट हुए तो वो लेंथ होगी। तो इनिशियल कंपाइलर्स इसको 8 तक ही कंसिडर करते थे, लेकिन अब ये क्या हो गया, 1 से लेके 31 तक आप अल्फ़ाबेट डिजिट और अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके आप वेरिएबल नेम बना सकते हैं, और कुछ कंपाइलर 247 करेक्टर्स तक का लंबा वेरिएबल नेम भी अलो कर रहे हैं। उसके बाद है कि हमें इतने लंबे नाम क्रिएट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो आपको वेरिएबल नेम बहुत छोटे भी नहीं रखने चाहिए और बहुत लेंथी भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि एक प्रोग्राम में, एक बड़े प्रोग्राम में एक वेरिएबल नेम थाउजेंड्स ऑफ टाइम या हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स यूज़ होता है, तो इतने बड़े वेरिएबल नेम को बार बार टाइप करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, और वो प्रोग्राम भी देखने में अजीब हो जाएगा कि मान लो आप 100 करेक्टर्स का एक वेरिएबल नेम लेते हो, तो आपकी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वेरिएबल नेम को की लेंथ को डिसाइड करें। तो एक जो अच्छा माना जाता है, जैसे मान लो सैलरी आपको रीड कर दी है, तो सैलरी के लिए सैलरी वर्ड ठीक है, 6 करेक्टर लॉन्ग है बेटर है, एज के लिए AGE ही ठीक है,
बहुत लंबे लंबे नाम या बहुत ही ऐसे नाम भी नहीं लेने चाहिए जो रेलेवेंट भी ना हो, जैसे मान लो सैलरी के लिए एक्स, एज के लिए वाई, तो एज के लिए एज ही वेरिएबल नेम ठीक लगता है, ये अजम्पशन है, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ऐसा करना है। कन्वेंशन बोल सकते हैं कि कन्वेंशनली हम लोग जो टाइप, जो वैल्यू वेरिएबल होल्ड करेगा वही वेरिएबल नेम यूजली यूज़ करते हैं। उसके बाद है कि हमारा जो वेरिएबल नेम है वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, और आप उसमें आगे डिजिट्स भी ले सकते हो। और अगर लंबा वाला आपका वेरिएबल नेम है, मान लो सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, आप इस तरह से वेरिएबल नेम लेना चाहते हैं, तो सैलरी के और ऑफ के बीच में आपको स्पेस अलाउड नहीं है, या ऑफ और एम्प्लॉय के बीच में भी, तो तीन डिफरेंट स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए आप एक अंडरस्कोर को यूज़ करोगे, यानी सैलरी अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एम्प्लॉय। तो इस तरह से आपको स्पेशल सिंबल्स में से सिर्फ एक ही स्पेशल सिंबल डेट इज़ अंडरस्कोर अलाउड है एक वेरिएबल नेम में यूज़ करने के लिए। वेरिएबल नेम के अंदर आपको कोमा या ब्लैंक्स वगैरह भी यूज़ नहीं करने हैं, तो आप अंडरस्कोर को यूज़ करके डिफरेंट मल्टी वर्ड जो वेरिएबल नेम होंगे इनको आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हमारे एग्जांपल में भी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ग्रोस सेल या ग्रोस सैलरी, ग्रोस और सेल को कनेक्ट किया है हमने अंडरस्कोर के साथ। अंडरस्कोर को आपको कभी भी फर्स्ट पोजिशन पर नहीं लेना, ये दो वर्ड्स के बीच में ही रखना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स वेरिएबल नेम से रिलेटेड। गाइज होपफुली आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तो इस वीडियो में हमने कवर किया कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का कंसेप्ट, और साथ में हमारा हमने यूज़ किया जो हमारे डिफरेंट करेक्टर सेट है सी लैंग्वेज का। तो हमारा इस वीडियो का इनिशियल टारगेट यही था कि आपको इंट्रोड्यूस कराना अपने साथ में, और नेक्स्ट वीडियो से हमारा जो सारा कुछ लेंथ रहेगी कंटेंट बेस्ड ही रहेगा कि हम इसके और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो यूजुअल जो वीडियो लेंथ रहेगी हमारी लेस देन 20 मिनट्स ही रहेगी, क्योंकि आज की जो वीडियो लेंथ है ये 15 मिनट्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, तो इसलिए हम इसमें अभी और टॉपिक्स नहीं लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो लिंक को मैक्सिमम लोगों से आप शेयर करें, ताकि जो न्यू प्रोग्रामर्स हैं, जो न्यू यूज़र्स हैं, इसका पूरा फ़ायदा ले सकें। तो टाइम टू टाइम हम वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे, तो हमारी अपलोड फ्रिक्वेंसी कोशिश रहेगी डेली रहे, नहीं तो 5 टाइम्स अ वीक हम लोग सी लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस सीक्वेंस में प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो आप सीक्वेंस में अगर चलते हो तो आपका भी जो है लर्निंग प्रॉपर चलता रहेगा, सीक्वेंस में चलता रहेगा, और पर्टिकुलर टॉपिक हो तो आप बीच में कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ओवर करते हैं, जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सी लैंग्वेज के जो डिफरेंट डाटा टाइप्स कौन से हैं, डाटा टाइप क्या होती है, सी के कीवर्ड्स कौन से हैं, कितने कीवर्ड हैं, किस कीवर्ड का क्या मीनिंग है, और डिफरेंट ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स कौन से हैं और किस ऑपरेटर का क्या पर्पस है। तो अभी ओवर करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सी के कुछ नए फीचर्स। तो सबसे पहले जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है सी के कीवर्ड्स। तो सी के कीवर्ड्स की बात करें, इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो कीवर्ड लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका उस लैंग्वेज में कुछ मीनिंग फिक्स होता है। जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं या हिंदी सीखते हैं या कोई भी लैंग्वेज, तो हर लैंग्वेज में हर वर्ड का कोई मीनिंग होता है, और उन वर्ड्स को उसी मीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कीवर्ड्स होते हैं कि जिनका कुछ मीनिंग प्री डिफाइंड रहता है और उनको उसी पर्पस के लिए यूज़ करना होता है। तो इसी तरह से सी लैंग्वेज में भी कीवर्ड्स हैं। सी लैंग्वेज में लगभग 32 कीवर्ड्स हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनाए गए हैं, और इनको इसी पर्पस के लिए यूज़ करना होता है, किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कीवर्ड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने थोड़ा जंबल्ड वे में लिखे हैं। सबसे पहला कीवर्ड है हमारा ऑटो, फिर डबल, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, इस तरह से ये 32 हैं। जैसे जैसे आप लैंग्वेज लर्निंग में आगे बढ़ोगे आपको कीवर्ड्स के बारे में पता लगता रहेगा। तो कीवर्ड्स को हम लोग रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं। तो इसमें से जैसे इंट की हम बात करें, तो हमारे सी के जो डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं तो उसको जो डोनेट करते हैं, जैसे इंटीजर डाटा टाइप को इंट कीवर्ड डोनेट करता है। इसी तरह से ऑटो भी है, हमारी स्टोरेज क्लासेस से रिलेटेड है। डबल जो कीवर्ड है ये भी हमारा डाटा टाइप से रिलेटेड है।
तो हर एक कीवर्ड का कुछ कुछ मीनिंग है, चैप्टर वाइज आप आगे बढ़ेंगे तो कि आप इन सभी कीवर्ड से अवेयर हो जाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सी में हम लोग एक जो प्रोग्राम है वो कैसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है सी लैंग्वेज में। हो सकता है आपने पहले कोई लैंग्वेज सीखी भी हो, प्रोग्रामिंग की, बेसिक, फोरट्रेन या कोई और भी, तो तब भी आपके लिए यूज़फुल है। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पहले से नहीं आती, सी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, तब भी ये आपके लिए यूज़फुल है। तो सी का कोई भी प्रोग्राम हम लोग मेन से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं मेन और एक ब्रैकेट ओपन करते हैं और क्लोज़ करते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और मेन के बाद हम एक कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये ब्लॉक बिगिनिंग को इंडिकेट करती है। और प्रोग्राम के लास्ट में कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, ये ब्लॉक एंड को क्लोज इंडिकेट करती है। इसके पहले वाली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जैसे मान लो पास्कल है, उसमें ये बिगिन और एंड से किया जाता है। सी में या सी प्लस प्लस में या जावा में ये कर्ली ब्रैकेट के कॉम्बिनेशन से ही ब्लॉक बिगिनिंग और ब्लॉक एंड शो किया जाता है। तो ये प्रोग्राम का ब्लॉक है, मेन के बाद शुरू होता है और लास्ट में इस ब्लॉक को क्लोज करना होता है। तो प्रोग्राम के शुरू के पार्ट में हम लोग डाटा टाइप्स देते हैं, डिफरेंट डाटा टाइप्स, यानी प्रोग्राम में आप जो वेरिएबल यूज़ करोगे वो वेरिएबल कैसी वैल्यू को होल्ड करेंगे। तो एक जो ये सिंपल सा प्रोग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का प्रोग्राम। कि सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम हमें सी में लिखना है, तो हमें प्रिंसिपल के लिए हमने पी कंसिडर किया और रेट के लिए आर, सिंपल इंटरेस्ट के लिए एस आई वेरिएबल ले लिया और टाइम के लिए हमने, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हमने एन ले लिया। तो प्रिंसिपल और नंबर ऑफ ईयर्स को हमने दे दिया इंट डाटा टाइप दे दी, और साथ में रेट और सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमने जो डाटा टाइप लिया है वो फ्लोट लिया है। तो आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे होगा कि आपको वेरिएबल्स कितने लेने हैं और उनकी डाटा टाइप क्या रखनी है। तो सिंपल अप्रोच से अगर चलें तो हमें जैसे जैसे हम बता रहे हैं आप साथ साथ देखते जाएं कि इस प्रोग्राम में तीन इनपुट वेरिएबल रहने वाले हैं, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, और एक आउटपुट वेरिएबल रहने वाला है SI। तो प्रिंसिपल शुरू में जो बिगिनर प्रोग्रामर होते हैं उनके मन में ये क्वेश्चन भी रहता है कि कौन से वेरिएबल की डाटा टाइप क्या लेनी है। तो ये आप प्रोग्राम स्पेसिफिक रहता है, जैसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का एग्जांपल ही ले रहे हैं, तो अमाउंट यूजली आप जो बैंक में जमा करते हो या कहीं जमा करते हो वो इंटीजर में ही होता है, 10,000, 5,000, 6,000 या 1,00,000, कुछ भी अमाउंट, रुपए पैसे में नहीं होता। तो यूजली हम लोग इसको इंटीजर ही लेते हैं। और नंबर ऑफ ईयर, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, तो एन को या टी वेरिएबल भी कई बार यूज़ होता है, तो इसको भी हम लोग इंट में लेते हैं। आगे हमने ले लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यूजली फ्लोट होती है, कई बार आपने सुना होगा 7.8 इंटरेस्ट है, 8.2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर हम तीनों को गुना करें, प्रिंसिपल, रेट और टाइम को, तो डिवाइड बाय हम 100 करते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली जो SI है वो फ्लोट ही कैलकुलेट होके आने वाला है। तो SI को हमने फ्लोट लिया या रियल के लिए लिया। तो प्रोग्राम के शुरू में आपने देना है डाटा टाइप जो प्रोग्राम में यूज़ होंगे उनकी डाटा टाइप को, उन वेरिएबल की डाटा टाइप को देना है। उसके बाद हमने अभी इनपुट स्टेटमेंट नहीं यूज़ किया है, हम थ्रू असाइनमेंट तीनों वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं। P को मैंने दे दी 1000, N को 3 और R को 8.5। आप ध्यान दो, सभी स्टेटमेंट्स के बाद हमने सेमी कॉलन लगाया है। सेमी कॉलन C में स्टेटमेंट टर्मिनेटर का काम करता है कि यहाँ पर यह स्टेटमेंट ख़त्म हो गई है। और तीनों को इनपुट का वैल्यू देने के बाद हमने SI कैलकुलेट किया। SI का हमने फार्मूला लगाया, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइड बाय 100.0, तो इससे SI कैलकुलेट होगा। और प्रिंट एफ हमारी सी की प्रिंट एफ आउटपुट स्टेटमेंट है, इसके थ्रू हमने आंसर को प्रिंट कर लिया। ये जो डिफरेंट चीज़ें आप देख रहे हैं, डाटा टाइप्स या प्रिंट एफ स्टेटमेंट या ऑपरेटर्स, ये हमारे वीडियो के अगले सेक्शन में हम इनको डीपली अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग लर्निंग के लिए बस हमने एक प्रोग्राम का आपको सीक्वेंस बताना था। तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यही रहता है, इनिशियली वेरिएबल डिक्लेरेशन और उसके बाद बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम में जो भी है। तो प्रोग्राम में इनपुट स्टेटमेंट्स भी होती हैं, कैलकुलेशन भी होती है और आउटपुट स्टेटमेंट्स भी होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कमेंड्स इन सी। आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको इंटरनल कोडिंग के लिए, यानी प्रोग्राम का कौन सा पार्ट किस लिए यूज़ हो रहा है, फ्यूचर प्रोग्रामर के लिए, आपके बाद वाले प्रोग्रामर के लिए, या आपके अपने लिए भी, आप प्रोग्राम के अंदर ही कुछ टाइपिंग वर्क जो करना चाहते हो, मान लो ये वाला प्रोग्राम है, इसमें मैंने अभी बोल के तो बताया, लेकिन मुझे अगर वैसे बताना हो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, तो मैं इस पर्टिकुलर लाइन के आगे सी के कमेंट स्टेटमेंट दे सकता हूँ। सिंगल लाइन कमेंट हो तो दो स्लैश सिंबल टाइप करके मैं लिख दूंगा हेयर पेज प्रिंसिपल। तो इससे क्या होगा,
इससे क्या होगा, जो पी है हमारा, हमने मेरे बताए बिना ही अगर आप प्रोग्राम रीड कर रहे हो तो आप समझ गए कि सी यहाँ पे जो पी है वो प्रिंसिपल है। तो ये प्रोग्राम में लिखा जरूर है लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होता, प्रोग्राम का पार्ट नहीं माना जाता। तो आप किसी भी लाइन के आगे कमेंट्स को लिख सकते हो, जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेयर एस आई इज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये प्रोग्राम में इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से कमेंट्स को यूज़ किया जाता है। तो कमेंट्स हमारे दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या होते हैं, जो मैंने अभी भी यूज़ किया कि एक ही लाइन में आपको कमेंट देना है, तो इस तरह से आप शुरू में दो बार स्लैश सिंबल से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत सारी लाइनें लिखनी हो, मान लो इसी प्रोग्राम के शुरू में ही आपको लिखना है दो तीन लाइन लंबा कमेंट लिखना है, आपने लिखना है सपोज, तो आपको लिखना है स्लैश स्टार, यहां से मल्टी लाइन कमेंट शुरू होते हैं। दिस प्रोग्राम इज अबाउट कैलकुलेटिंग जल्दी जल्दी में स्पेलिंग गलत होते जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप, मैंने तीन लाइन में कमेंट को डिवाइड कर दिया। तो प्रोग्राम के बिगनिंग में आप मल्टी लाइन कमेंट को ऐड कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। तो कमेंट चाहे सिंगल लाइन हो या डबल लाइन हो यानी मल्टी लाइन हो, ये प्रोग्राम का पार्ट होते हुए भी लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ये सिर्फ प्रोग्राम की कोडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रोग्राम के अंदर हम लोग दे सकते हैं। तो सी में अगर मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो आपको लिखना है स्लैश स्टार, फिर आगे कमेंट की लाइन्स आएंगी, फिर लास्ट में स्टार और स्लैश। जैसे एग्जांपल मैंने उसमें कोडिंग में भी लिखा भी है, और एक ये भी एग्जांपल है, ये मैंने लेटर सी से एग्जांपल लिया है, स्टार स्लैश स्टार, दिस इज अ जेजी कमेंट, और लास्ट में स्टार और स्लैश। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंट एफ स्टेटमेंट अभी आपने कोड में देखा था, मैंने यूज़ की थी। तो सी में आउटपुट स्टेटमेंट है, या सी में आउटपुट स्टेटमेंट दो तरह की होती हैं, अनफॉर्मेटेड आउटपुट और फॉर्मेटेड आउटपुट। तो अभी हम फॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट देखेंगे, अनफॉर्मेटेड बाद में देखेंगे। फॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट में हमारा यूज़ होता है प्रिंट एफ स्टेटमेंट। प्रिंट एक जनरल वर्ड है, जैसे पहले की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रिंट एज अ आउटपुट स्टेटमेंट भी यूज़ होती थी, और जनरल इंग्लिश का वर्ड भी है प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ प्रिंट यूज़ है, प्रिंट के साथ में एफ वर्ड यूज़ कर दिया प्रिंट एफ। तो ये हमारी आउटपुट स्टेटमेंट है सी की लाइब्रेरी में। अगर आप देखिए stdio.h एक हेडर फाइल्स की हेडर फाइल है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं इनपुट आउटपुट से रिलेटेड डिफाइंड है, उसमें ये फंक्शन लिखा गया है। तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या करती है, ये फंक्शन क्या करता है, आपके प्रोग्राम की जो आउटपुट है उसको स्क्रीन पर आपके CRT के ऊपर या वीडियो के ऊपर लेके आती है। तो इसका जनरल फॉर्म क्या है, आपको शुरू में प्रिंट एफ लिखना है और साथ में ब्रैकेट ओपन करनी है, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करनी है और सेमी कॉलन, बीच में डबल कोट्स यहाँ जैसे मैंने लगाया, फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोट्स कंप्लीट कॉमा लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। कि मान लो आपको एक अभी हमने SI कैलकुलेट किया, प्रीवियस एग्जांपल में आपने अभी देखा ही है कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा था जिसमें मैंने SI को प्रिंट किया था प्रिंट एफ यहाँ पे। तो ये परसेंटेज एफ क्या, हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग है, कॉमा लगा के SI हमारा वेरिएबल है। तो इस तरह से आपको जो भी वेरिएबल की डाटा टाइप होगी वो वाला फॉर्मेट स्ट्रिंग यहाँ पे लिखना होता है। जैसे मान लो अभी मैंने फॉर्मेट स्ट्रिंग नीचे लिखे हैं, देखो तीन तरह के फॉर्मेट स्ट्रिंग मैंने यहाँ स्पेसिफाई किए हैं, और भी होते हैं, ये बेसिक तीन तरह के हैं। परसेंटेज एफ यूज़ होता है रियल वैल्यूज़ के लिए, परसेंटेज डी यूज़ होता है इंटीजर्स के लिए, और परसेंटेज सी यूज़ होता है करेक्टर वैल्यूज़ के लिए। तो हमारा जो SI था सिंपल इंटरेस्ट था, फ्लोटिंग वैल्यू था, तो हमने परसेंटेज एफ यूज़ किया था। इस तरह से आप और भी कॉम्बिनेशन से इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लो किसी प्रोग्राम में आपके कुछ इस तरह से हो कि SI हमने प्रिंट किया परसेंटेज एफ से, मान लो पी और आर प्रिंट करना होता तो हम परसेंटेज डी से प्रिंट करते, पी का एक परसेंटेज डी पी के लिए, दूसरा परसेंटेज डी हमारा आर के लिए। और अगर सिंपली आपको मैसेज ही प्रिंट करना है, कोई आउटपुट में कोई वेरिएबल नेम नहीं है, तो प्रिंट एफ में डबल कोट्स में आप मैसेज दे दोगे प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड। तो ये तो हो गया एक अगर मैसेज प्रिंट करना है, और ये हो गया हमारा दूसरा वाला जो एग्जांपल है, ये वैल्यू प्रिंट करनी है, ये एक से ज़्यादा वैल्यू अगर प्रिंट करनी हो, और फोर्थ एग्जांपल है हमारे मैसेज और वैल्यू दोनों प्रिंट करनी हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट है, इसमें आउटपुट क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो भी SI की वैल्यू कैलकुलेट होगी। मान लो SI की वैल्यू 100 कैलकुलेट हो जाती है या
मान लो 200 कैलकुलेट होके आती है, तो ऐसे लिखा आएगा स्क्रीन पर, आउटपुट स्क्रीन पर इज इक्वल टू 200। तो ये देखने में ज़्यादा रीडेबल है, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट वर्ड नहीं भी लिखते तब भी आउटपुट ठीक आएगी, लेकिन वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी ऐसे लिखा आएगा। जैसे देखो मैंने सिंपल इंटरेस्ट का जो स्ट्रिंग था वो निकाल दिया है 200, तो यूज़र के हिसाब से ये ठीक नहीं है, आउटपुट में कुछ मैसेज भी साथ में होना चाहिए। तो ये था हमारा प्रिंट एफ स्टेटमेंट के बारे में कि हम सी में हमारी प्रिंट एफ स्टेटमेंट क्या होती है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा फैमिलियर आप जैसे जैसे कोडिंग में आगे बढ़ेंगे, सी के आगे चैप्टर बढ़ेंगे, आप और फैमिलियर हो जाओगे। इनिशियली थोड़ा सा हमें ये परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, परसेंटेज एफ थोड़ा कन्फ्यूज़ करता है, तो वीडियो का ये पार्ट आप बार बार भी देख सकते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं इनपुट स्टेटमेंट की तरफ। तो जैसे आउटपुट स्टेटमेंट दो तरह की है, तो इनपुट स्टेटमेंट भी हमारी दो तरह की होती है, फॉर्मेटेड इनपुट और अनफॉर्मेटेड इनपुट। तो हम यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेटेड इनपुट। फॉर्मेटेड इनपुट स्कैन वर्ड के साथ, स्कैनिंग मतलब रीड करना, स्कैन के साथ एफ लगाया, स्कैन एफ फंक्शन यूज होता है। ये भी सी की हेडर फाइल है जो stdio.h उसमें डिफाइंड है, इसको स्कैन एफ फंक्शन बोलते हैं, रीडिंग के लिए यूज होता है। जनरल सिंटैक्स इसका मिलता जुलता है हमारे प्रिंट एफ के जैसे ही है, स्कैन एफ डबल कोट्स में फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा लिस्ट ऑफ वेरिएबल। फॉर्मेट स्ट्रिंग वही है, इंटीजर के लिए परसेंटेज डी, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, करेक्टर के लिए परसेंटेज सी। थोड़ा सा फर्क रह जाता है कि जैसे मान लो हमने ए की वैल्यू रीड करनी है तो स्कैन एफ परसेंटेज डी, और यहाँ प्रिंट एफ हमने डायरेक्टली ए लिखा था, यहाँ एम्पियर सेंट ए लिखेंगे, यानी जिसको भी आपको रीड करना है उसके शुरू में आपको एम्पियर सेंट सिंबल लगाना है। एम्पियर सेंट हमारा सी का पॉइंटर ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। तो आप जो भी वैल्यू रीड करते हो, जैसे ए की वैल्यू रीड करोगे तो ए के मेमोरी एड्रेस, ए ने मेमोरी में जहाँ पे भी स्पेस लिया है वहाँ पे ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। इसकी और क्लैरिटी आपको पॉइंटर्स के चैप्टर में होगी। तो इस वीडियो को देखते देखते मैं एक चीज़ और भी बता दूँ कि इन वीडियो से रिलेटेड हम लोग MCQ, जैसे आज हमने कीवर्ड प्रिंट एफ पढ़ा, स्कैन एफ पढ़ा, या और भी कुछ पढ़ते हैं, कमेंट्स भी पढ़ा, तो इनसे रिलेटेड आपके नॉलेज टेस्टिंग के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं MCQ टेस्ट डालूंगा। तो आप अपनी नॉलेज चेक करने के लिए MCQ टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, अपना स्कोर चेक कर सकते हो। उसमें हम कोई भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं, स्कोर आपको ये गूगल फॉर्म की फॉर्म में है, गूगल फॉर्म हमने डाला हुआ है, आपका स्कोर आप साथ साथ चेक कर सकते हो कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है। और अगर आप टीचर हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें आप, तो गूगल फॉर्म का लिंक भी आप लोगों से शेयर कर सकते हो, वो भी अपना स्क्रीन पर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी जो हमने पढ़ी हैं आज। एक तो हमने पढ़ा है कमेंट्स, और सी का प्रोग्राम स्ट्रक्चर पढ़ा है, इनपुट पढ़ा है, और आउटपुट स्टेटमेंट पढ़ी है। तो अब आगे करते हैं डाटा टाइप्स क्या होती है। तो सी में डाटा टाइप का मतलब क्या है कि आपको कोई भी अगर वेरिएबल यूज़ करना है तो आपको प्रोग्राम के शुरू के पार्ट में बताना पड़ेगा कि वो वेरिएबल कैसी वैल्यू होल्ड करेगा। उसमें न्यूमेरिक वैल्यू होगी, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू होगी, इंटीजर होगा या फ्लोट होगा, यानी उसमें डेसिमल पार्ट होगा, करेक्टर होगा। तो इस तरह से डाटा टाइप्स हैं, यानी डाटा की टाइप आपको शुरू में ही बतानी है। तो सी में बहुत सारे डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं, तो बेसिक जो हम लेके चलते हैं ये तीन कैटेगरीज लेके चलते हैं, तीन बेसिक डाटा टाइप्स। फर्स्ट वन हम लेके चलते हैं इंटीजर टाइप्स, जिसमें हम तीन को कंसिडर करते हैं, इंट, लॉन्ग और शॉर्ट को। फिर दूसरी आती है हमारी रियल टाइप, जिसमें दो तरह की डाटा टाइप्स आती हैं, फ्लोट और डबल। थर्ड है करैक्टर और कैप। तो डाटा टाइप्स को और अच्छी तरह से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अभी इस वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा हो गई है। तो इनकी डिटेल्स, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग क्या है और इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इनकी रेंजेस क्या हैं, हमारे अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अगर कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ याद से आप अगर नॉलेज टेस्टिंग के लिए ये देखना चाहते हैं कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, तो आप अपना एक रेगुलर ये पैटर्न में बना लो आप, कि जैसे जैसे आप एक वीडियो देखते जा रहे हो उसका MCQ आप अटेम्प्ट करते जाओ, ताकि साथ साथ आपकी टेस्टिंग भी होती जाए। फाइनल वीडियोज़ जब बन जाएंगे तो एक कम्प्लीट भी हम लोग MCQ टेस्ट अपलोड करेंगे, ताकि आप अपना आउट ऑफ 100 स्कोर भी देख सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्दी ही मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। हाय गाइस, तो सी लैंग्वेज के वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस पार्ट में हम शुरुआत करने जा रहे हैं डिफरेंट डाटा टाइप्स जो हमारे सी लैंग्वेज में हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी क्या रेंजेस हैं।
तो तीन बेसिक डाटा टाइप्स ही के माने गए हैं, एक तो इंटीजर टाइप्स, दूसरा रियल टाइप्स और तीसरा करेक्टर टाइप। इंटीजर टाइप है, आगे ये हम तीन तरह के इसमें तीन डिविजन्स लेते हैं इसमें, इंट, शॉर्ट और लॉन्ग। और भी हैं डाटा टाइप जो इसमें आते हैं अनसाइंड इंट, वो वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। रियल डाटा टाइप्स में आते हैं हमारे फ्लोट और डबल, और करेक्टर में आता है कैर। तो इंटीजर टाइप्स हम उनके लिए लेते हैं जो भी आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ रीड करनी हो या राइट करनी हो या कैलकुलेट करनी हो, उनके लिए जो वेरिएबल्स लेते हो तो उनमें अगर वैल्यू जो आएगी डेसिमल पार्ट वाली ना हो, यानी नॉन डेसिमल वैल्यूज़ के लिए, इंटीजर वैल्यूज़ के लिए जो डाटा टाइप्स ली जाती हैं वो हमारी रहती हैं इंटीजर डाटा टाइप्स। तो तीन बेसिक है, इंट, शॉर्ट और लॉन्ग। इनमें जो इंट है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और इसमें जो हमारे नॉर्मल जो प्रोग्राम्स हैं, जो वेरिएबल की जो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग में, उतनी वैल्यूज़ को ये होल्ड कर लेता है। उसके बाद है जो सेकंड है हमारा न्यूमेरिक में ही है, वो है रियल टाइप, यानी जिसमें डेसिमल पार्ट हो सकता है, जैसे 4.5, 5.61 या पाई की वैल्यू 3.14, 15118 समथिंग। तो इसके लिए भी दो डाटा टाइप दी हुई हैं, फ्लोट और डबल। नॉर्मल रेंजेस के लिए हम इसमें ज़्यादातर फ्लोट यूज़ करते हैं। अगर हायर रेंज का कोई रियल कोई वेरिएबल हो जिसमें हायर रेंज की वैल्यू स्टोर करनी हो तो उसको हम एज ए डबल डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैर, कि सिंगल करैक्टर को हमें रीड करना हो तो उसके लिए हम कैर, करैक्टर का शॉर्ट लिया हुआ है, कैर डाटा टाइप को यूज़ करते हैं। तो आ गया डाटा टाइप्स में जो इंट है, जो अभी मैंने बोला कि न्यूमेरिक में है, इंट में है जो ये 2 bytes की मेमोरी स्टोरेज लेता है। तो इसकी रेंज है जो -32768 +32767, यानी सबसे छोटा इतना इंटीजर माइनस साइड में और प्लस साइड में 32767 तक का इंटीजर वैल्यू को ये होल्ड कर सकता है, जो भी वेरिएबल आप एज अ इंट डिक्लेयर करते हो। सेकंड आता है हमारा अनसाइंड इंट आता है, यानी इंट वही है, शुरू में हमने अनसाइंड ले लिया। कि कुछ कई बार ऐसा होता है कि हमें वेरिएबल की वैल्यू 32,000 यानी जो पर स्पेसिफाइड रेंज है उससे बड़ी वैल्यू लेनी है, और ये भी पता है कि जो वेरिएबल होगा वो माइनस में नहीं हो सकता, तो उस केस में हम लोग लेते हैं अनसाइंड इंट। तो इसमें जो लेंथ है वो भी 2 byte है, लेकिन जो रेंज है न्यूमेरिक की वो 0 to 65535 तक चली जाती है। उसके बाद है हमारा शॉर्ट, शॉर्ट और इंट एक ही बात है, ये भी 2 bytes लेता है, इसकी रेंज भी वही है जो इंट वाली है। उसके बाद आता है हमारा अनसाइंड शॉर्ट, तो इसकी रेंज भी वही है जो अनसाइंड इंट की है। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको इतनी वैल्यू भी छोटी पड़ रही है, यानी कि -32768 +32767, इससे कोई बड़ी वैल्यू लेनी है या नेगेटिव रेंज में कोई छोटी वैल्यू और छोटी वैल्यू लेनी है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, लॉन्ग लेते हैं। तो लॉन्ग में ये स्पेस डबल हो जाता है, यानी डबल क्या 4 गुना हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा अनसाइंड लॉन्ग, कि लॉन्ग में ये अगर हमें कि माइनस रेंज नहीं लेनी तो हम लोग उसमें अनसाइंड लॉन्ग को ले लेते हैं। उसके बाद हमारा फ्लोट और डबल, फ्लोट है जो 4 byte लेता है और डबल है जो 8 byte बाद है हमारा कैर है, जो अगर हम कैर की बात करें तो कैर है मेमोरी में 1 byte लेता है, इसकी न्यूमेरिक रेंज रहती है -128 to +127। अनसाइंड कैर हो ये भी 1 byte रहता है, और इसकी जो न्यूमेरिक रेंज है वो रहती है 0 to 255। और साइंड कैर की वैल्यू रहती है, साइंड कैर और कैर एक ही बात है। आगे बात करते हैं कि हमें डाटा टाइप से पता लग गई, इन डाटा टाइप को यूज़ जो वेरिएबल करेंगे, यानी कि हमारा सी लैंग्वेज में हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं ताकि उसको हम प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। इसका दूसरा मीनिंग ये है कि वेरिएबल हमें, मान लो किसी वेरिएबल में हमें न्यूमेरिक वैल्यू डालनी है जो कि इंटीजर हो, तो प्रोग्राम के शुरू में आपको बताना पड़ता है वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो उसके लिए जनरल सिंटैक्स किया, आपको डाटा टाइप का नाम लिखना होता है, साथ में लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स विद सेमीकोलन। मान लो आपका एग्जांपल हम देखते हैं कि 3 variables आपके किसी प्रोग्राम में रिक्वायर्ड है, ए, बी और सी, वो तीनों ही इंट है, तो आप लिखोगे इंट स्पेस ए कोमा बी कोमा सी सेमीकोलन। सेमीकोलन यूजली सी के मैक्सिमम स्टेटमेंट्स में यूज़ होता है, ये हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर सिंबल है। उसके बाद दूसरा हमारा है मान लो डी और एफ, ये भी वेरिएबल्स हैं आपको प्रोग्राम में यूज़ करने हैं, और ये फ्लोट टाइप है, रियल टाइप है, यानी डेसिमल पार्ट वाले नंबर्स हैं, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, फ्लोट डी कॉमा एफ सेमीकोलन। उसके बाद इसी प्रोग्राम में मान लो आपको एक चाहिए वेरिएबल जिसमें आपको एक करेक्टर वैल्यू को स्टोर करना है, तो हम क्या लिखें,
कैर एम, तो इस तरह से आप करेक्टर डाटा टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। इसकी ज़्यादा और नॉलेज आपको जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, इस पार्ट को हम यूज़ करेंगे, तो आप और भी फैमिलियर होते जाएंगे। तो अब हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑपरेटर्स इन सी। तो आप प्रोग्रामिंग के या किसी भी, आप देखा होगा आपने लैंग्वेजेस पेपर का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी अगर आप पेपर अटैम्प्ट करते हो तो ऑपरेटर के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो सी में भी बहुत सारे ऑपरेटर हैं। सी इसलिए ही ज़्यादा फेमस भी हुई कि हाईली एनरिच्ड लैंग्वेज थी अपने टाइम में, जिसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स थे, मैक्सिमम जितने पॉसिबल हो सकते थे तो सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स को बनाया गया। ऑपरेटर क्या होता है, जब भी आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उसमें क्या होता है, ऑपरेटर और ऑपरेंड का कॉम्बिनेशन होता है। मान लो कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जैसे मैंने लिखा C इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो इसमें ए बी सी क्या है, ऑपरेंड है, प्लस और इक्वल टू क्या है, ऑपरेटर्स हैं। तो बहुत सारे ऑपरेटर होने के कारण इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो पहली कैटेगरी हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे, डेट इज़ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो अर्थमेटिक डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पढ़ी है तो उसमें भी आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को ज़रूर देखा होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज में भी बाकी सभी लैंग्वेजेस की तरह अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। जैसे मान लो एडिशन का ऑपरेशन करना है तो प्लस का जो सिंबल है ये यूज़ होता है एज अ ऑपरेटर, और अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस का सिंबल यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक सिंबल और डिवीज़न के लिए स्लैश सिंबल, और एक होता है मोड यानी रिमाइंडर कैलकुलेट करना हो तो परसेंटेज सिंबल को यूज़ करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का एक सिंपल एग्जांपल क्या है, जैसे ए प्लस बी लिखा है तो ए और बी की जो भी वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी, और असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू सी को असाइन हो जाएगी। मान लो ए और बी पे हमने सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करना होता तो ए के साथ हम लिखते ए माइनस बी, या जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। हमारे आने वाले प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स में आप इसको देख पाओगे कि डिफरेंट ऑपरेटर्स को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी करते हैं, वो है हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, जो आप राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है वो कैलकुलेट करके लेफ्ट साइड को देना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक सिंबल यूज़ करना होता है जिसको बोलते हैं हम इक्वल टू सिंबल है। तो इक्वल टू सिंबल ही हमारा सी लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर्स, कि आपको दो वैल्यू को कंपेयर करना है कि दोनों में से ग्रेटर कौन सी है, लेस देन छोटी कौन सी है। तो आप मैथ में भी ये ऑपरेशंस बहुत बार परफॉर्म करते हो, तो कभी भी आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हो तो आप रिलेशनल एक्सप्रेशंस यूज़ करते हो उनको। तो हमेशा एक बात याद रखनी है कि कभी भी आपने रिलेशनल ऑपरेटर अगर यूज़ किए तो आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में रहेगा। जैसे मान लो ए की कुछ वैल्यू है, बी में कुछ वैल्यू, आप चेक करते हो इफ़ ए इज़ लेस देन बी, तो ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी। तो हमारे जो कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं ये हमेशा बुलियन वैल्यू में ही आंसर देते हैं, ट्रू या फॉल्स में। तो डिफरेंट कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर कौन से हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखा है इसमें, इफ़ ए इज़ लेस देन बी या वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। तो कंडीशनल कंट्रोल के जब आप प्रोग्राम करेंगे आप उसमें इसको यूज़ होता देखेंगे। तो जैसे जैसे आप अभी सिंटैक्स सीख रहे हो तो जब कोडिंग में इनको यूज़ करेंगे तो आपका और भी एक्सपोजर इसमें बढ़ जाएगा। तो ये हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑपरेटर्स की, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल, तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, एंड, और, नॉट। तो तीनों के लिए ही एक एक सिंबल है। आपको एंड के लिए दो बार एम्परसेंड सिंबल यानी एंड सिंबल प्रेस करना है, और के लिए दो बार पाइप ऑपरेटर यूज़ करना है, और नोट के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो एंड और नोट क्या होता है हमारा, जैसे रिलेशनल आप देखते हैं कि आई थिंक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपने देखा होगा कि दोनों कंडीशंस को, दो कंडीशंस हों उनके बीच में लगता है, दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हो तो उस केस में अगर आपने एंड यूज़ किया है तो दो ही फाइनल आंसर हमारा ट्रू रहता है। एक भी कंडीशन फॉल्स या दोनों ही फॉल्स, तो आंसर फॉल्स रहेगा। और के केस में दोनों ट्रू या दोनों में से कोई भी एक ट्रू, तो आंसर ट्रू रहता है, दोनों फॉल्स हो तो ही फॉल्स होता है। और नोट जो ऑपरेटर है हमारा क्या करता है, कंडीशन को रिवर्स करता है, यानी ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है। अब मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, ये लिखा हुआ नीचे, इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड ए इज़ लेस देन सी।
अब ए बी और सी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि फाइनली इफ़ ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स रिटर्न करेगी। तो पहले दो आपके इफ़ के अंदर दो कंडीशंस हैं, मान लो पहली कंडीशन ट्रू रहती है दूसरी फॉल्स रहती है तो ये फॉल्स जनरेट करेगा, पहली फॉल्स रहती है दूसरी ट्रू रहती है तब भी ये फॉल्स इवेल्यूएट करेगा, दोनों फॉल्स रहती है तब भी फॉल्स इवेल्यूएट करेगा, अगर दोनों ट्रू रही तो ही ये ट्रू इवेल्यूएट करेगा। नेक्स्ट है हमारे बिट वाइज ऑपरेटर है, बिट्स पे ऑपरेशन करना, बिट वाइज ऑपरेशन करना हो वैल्यूज पे, तो हमारे डिफरेंट बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स में इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, अभी फ़िलहाल बस आप ऑपरेटर्स के सिंबल देख लो, डिफरेंट हैं। बिट वाइज एंडिंग के लिए यूज़ होता है, बिट वाइज और के लिए यूज़ होता है, तो डिफरेंट राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट डिफरेंट जो ऑपरेशन हैं उनके लिए डिफरेंट सिम्बल्स यूज़ होते हैं। आगे हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। तो आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट आर दी टर्नरी ऑपरेटर्स ऑफ सी या कंडीशनल ऑपरेटर, यूजली लोग कंडीशनल में रिलेशनल वाले को ही जोड़ के या लॉजिकल वाले को जोड़ के ही रिप्लाई करते हैं। कंडीशन वर्ड से पता लग रहा है कि इसमें कंडीशन आएगी ऑपरेटर के अंदर, और टर्नरी का मतलब क्या होता है, इसमें दो सिंबल यूज़ होंगे और तीन एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो इसमें दो सिंबल यूज़ होंगे, देखो अब तक जो ऑपरेटर सिंबल आपने देखे सिंगल सिंगल था, इसमें क्वेश्चन मार्क भी है और एक कॉलम भी है। इसको कैसे यूज़ करते हैं, C इज इक्वल टू A ग्रेटर देन B क्वेश्चन मार्क A कॉलन B, A और B की वैल्यू भी डिपेंड करेगा कि C की वैल्यू कितनी है। मान लो आपके एक पर्टिकुलर एग्जांपल में आपने A की वैल्यू रखी 4 मान लो और B की वैल्यू है 5, तो इस केस में 4 इज ग्रेटर देन 5 क्या हो गया हमारा कि फॉल्स इवेल्यूएट हुआ, तो इस केस में जो सी को मिलेगा वो बी मिलेगा। मान लो ये प्रोग्राम हो कि जो ग्रेटर नंबर है वो सी को मिले, ठीक है, अगर ए की वैल्यू 14 हो और बी की वैल्यू 5 ही हो तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ए की वैल्यू आपके सी को असाइन हो जाएगी। तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, सॉरी कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं इसको। अब आगे आ जाते हैं हमारे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट होता है जब भी वैल्यूज़ को आपको एक से बढ़ाना है, तो इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती आई इज़ इक्वल टू आई प्लस वन या सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस वन, आप क्या लिखोगे आई प्लस प्लस या सैलरी प्लस प्लस। वैल्यू को एक से कम करना हो तो माइनस माइनस यूज़ करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा आई इज़ इक्वल टू 10 आई माइनस माइनस, आई की इनिशियल वैल्यू 10 है, आई माइनस माइनस करने के बाद आई की वैल्यू क्या रह जाएगी 9 रह जाएगी। नेक्स्ट है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर है। साइज ऑफ ऑपरेटर यूज़ करता है किसी वेरिएबल को हमने चेक करना हो कि इसका जो साइज़ है बाइट्स में ये कितनी बाइट की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, तो हम साइज ऑफ ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो ये बाइट्स में आंसर को रिटर्न करेगा। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस ऑफ एंड इन डायरेक्शन ऑपरेटर। तो ये दो ऑपरेटर हैं जो पॉइंटर ऑपरेटर की तरह काम करते हैं। एड्रेस ऑफ यूज़ होता है किसी भी वेरिएबल का अगर एड्रेस देखना हो मेमोरी में वो कहाँ पे स्टोर है, तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और एस्ट्रिक सिंबल हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ होता है, और साथ में ये यूज़ होता है इन डायरेक्शन के लिए कि आपको कोई एड्रेस पता है उस एड्रेस पे देखना है मेमोरी, उस मेमोरी एड्रेस पे देखना है कि कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है। इसका ज़्यादा आपको जो क्लियरेंस है वो हमारे पॉइंटर्स आगे जो पॉइंटर का टॉपिक आएगा उसमें और क्लियर हो जाएगा कि दो ऑपरेटर हैं एम्पियसेंड और साथ में एक एस्ट्रिक सिंबल। एम्पियसेंड से हम किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस देख सकते हैं, और एस्ट्रिक सिंबल से हम लोग क्या देख सकते हैं, अगर मेमोरी एड्रेस पता हो तो वहाँ पर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है। नेक्स्ट हमारा कॉमा ऑपरेटर है कि आपको बहुत सारे वेरिएबल्स को सेपरेट करना हो तो हम कॉमा के साथ में सेपरेट करते हैं। अब आगे हम देखते हैं सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो सी लैंग्वेज में भी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, शुरू में आपको लिखना होता है हैश इंक्लूड, और साथ में एक हेडर फाइल का नाम लिखना होता है जो भी आप इस प्रोग्राम में यूज़ करोगे। मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया है stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट है, यानी आपको कोई इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट से अगर यूज़ करोगे तो आपको ये फाइल शुरू में एज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ करनी होती है stdio.h। डॉट एच होता है हमारा हेडर फाइल्स के लिए, और अगर कुछ और हो जैसे conio.h mat.h जैसे आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वैसा वाला नाम आप यहाँ पे यूज़ करोगे, तो एक से ज़्यादा हेडर फाइल्स भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन ही आपका वो फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होता है। तो मेन के पहले हम लिखते हैं void
वर्ड तब लिखते हैं जब हमारा कोई हमारा पर्टिकुलर कोई भी कोड है जो ये प्रोग्राम है कुछ रिटर्न ना करना कर रहा हो, तो हम बोलते हैं वर्ड रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन और लास्ट में करली ब्रैकेट क्लोज। तो ये ब्लॉक बिगनिंग के लिए यूज़ होता है, ये ब्लॉक क्लोज के लिए यूज़ होता है। इन दोनों के बीच में ही सारा प्रोग्राम और सारे लॉजिक्स रहते हैं। प्रोग्राम के शुरू के पार्ट में रहते हैं जो वेरिएबल की डिक्लेरेशन, जो आप पूरे प्रोग्राम में वेरिएबल्स यूज़ करोगे इनको शुरू में बताना ज़रूरी होता है। ए बी सी डी कोई भी आप यूज़ करते हो कि वो इंटीजर है फ्लोट है या कैर है, और बॉडी में है प्रोग्राम का जो लॉजिक है। आगे हम करेंगे प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसे यूज़ होता है और सी में आप प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो को अभी यहीं ओवर करते हैं। होपफुली आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।